हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी। तो सिंपली यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.3 है इस चैप्टर की, उसके क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको सम फाइंड करना है ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर का सम फाइंड करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 50 तक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 50 के बीच ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर चलिए उसको नोट डाउन कर लेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो यहां पर क्या बोल रहा है, हमको सम फाइंड करना है। तो यहां लिख देंगे स्टेटमेंट, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 और 50 के बीच जो है हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। तो दैट मींस पहला नंबर क्या होगा ऑड नंबर, वो होगा 1। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा 3, फिर होगा 5। अब ऐसे ही डैश डैश आगे बढ़ते जाएंगे, और 50 से पहले हमारा कौन सा ऑड नंबर आता है, वो आता है हमारा 49। कौन सा आता है हमारा, 49। तो दैट मींस यहां पर जो हमारे ऑड नंबर हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है कि हमको क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो टोटल जो 1 से लेकर 49 तक जो नंबर आपके ऑड नंबर आते हैं, टोटल नंबर होते हैं 25। 25 आपके ऑड नंबर होते हैं, 25 आपके इवन नंबर। तो दैट मींस ये हमारे पास एपी आ गई है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी का, फर्स्ट टर्म होगा 1, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन यानी कि 3 - 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। और जो नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं इसमें, टोटल जो टर्म्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। यानी 0 और 50 के बीच टोटल जो ऑड नंबर है वो है 25। अब सम का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसके लिए यहां लिख देंगे सम ऑफ एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू में पुट कर देंगे, n की जगह n की वैल्यू आ जाएगी, तो 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू क्या है 1, तो यहां 1 आ जाएगा, प्लस n की जगह 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, वो है 2, तो यहां 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 अपॉन 2 एज इट इज ही रहेगा, 2 वन जे 2 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखेंगे आप तो ये 24 बन जाएगा। 25 में 1 माइनस करेंगे तो 24, और 24 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, तो 24 2 जो होता है 48, तो यहां आ जाएगा हमारा 48। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 25 अपॉन 2, अब ब्रैकेट हट जाएगा, मल्टीप्लाई लग जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब यहां पर 2 से 50 कटता है हमारा 25 टाइम्स, तो दैट मींस 25 इंटू 25 आ जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 25 25 आएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर बन रहा है, तो दैट मींस 25 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 625, क्योंकि 25 दो बार है, तो 25 का स्क्वायर बन रहा है, तो दैट मींस 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दैट मींस यहां पर हमसे क्या पूछा गया था कि सम फाइंड करना है ऑड नंबर्स का जो 0 और 50 के बीच में है, तो उनका जो सम आया है वो आया है हमारे पास 625। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे ईटीसी, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being ₹50 more than for the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। question में कह रहा है कि जो आपका contractor था, simply वो क्या करता है, पेनल्टी लगाता है आपके डिले को काम करने पे। यानी कि जब आप काम को डिले करते हैं तो आपसे
पर डे का 50 रुपीज चार्ज किया जाता है। अब कैसे, पहले दिन आपको 250 रुपीज चार्ज करने थे और दूसरे दिन का चार्ज था 300, फिर ऐसे 50-50 आगे बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है कि सिंपली उसके जो 30 डे का जो एक्स्ट्रा उसने डिले किया है उसका चार्जेस टोटल कितना होगा, तो वो हमने टोटल चार्जेस निकालना है कि टोटल डिले का जो चार्ज होगा वो कितना लेता है। तो यहां पर पेनल्टी के तौर पे उनको कितना देना पड़ेगा, तो सिंपली हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, यहां लिख देंगे जब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, यहां लिख देंगे पेनल्टी फॉर डिले ऑफ, कॉम्प्लेक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। अब सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो पेनल्टी ली जाती है कि अगर आपने इस डेट तक, कोई डेट दी होगी, अगर इस डेट तक अगर आपने सिंपली काम को पूरा नहीं किया तो आपसे पेनल्टी के तौर पे चार्ज लिया जाएगा। तो जो पहले दिन का चार्ज था वो कितना था, 250 रुपीज एंड, अच्छा सॉरी, पहले दिन का चार्ज था 200 रुपीज और सेकंड डे का था 250 रुपीज चार्ज और थर्ड डे का आपका 300। तो ऐसे 50-50 रुपीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग, यानी कि इसका जो चार्जेस था सक्सेडिंग ईच डे सक्सेडिंग, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे 50 रुपीज एड होते जाएंगे। तो उन्होंने 30 डे जो है डिले किया है, तो 30 डे का उनको डिले चार्ज कितना देना पड़ेगा वो हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास जो पहले दिन का जो डिले चार्ज था वो कितना था, 200 था, दूसरा हमारे पास 250 दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का कितना था 300, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब ये हमारे पास एपी बन चुकी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, 30 डे का निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो फर्स्ट टर्म ए होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसने खुद ही बोला है कि 50 रुपीज पर डे जो है एक्स्ट्रा उनसे सक्सेडिंग डे में लिया जा रहा है, ये है सक्सेडिंग डे। तो ऐसे आगे बढ़ते जो दिन जा रहे हैं उनमें 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर टोटल डेज कितने हैं, यानी कि हमने 30 डेज का निकालना है, तो हमारे पास एन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं 30 डे का सम निकाल सकते हैं, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख देंगे सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे, एस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 a की जगह a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 200, तो यहां 200 आ जाएगा, प्लस n कितना है 30, तो 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d यानी कि 50, तो यहां आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से हमारा 30 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, देन इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो कितना आएगा 200, 2 जो कितना हो जाएगा 400 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 29, तो यहां आ जाएगा सिंपली, इसको क्या कर सकते हैं हम 29 मल्टीप्लाई 50 कर सकते हैं, ठीक है। अब 29 के साथ 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 0, तो हमारा एज इट इज ही आएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59 जा 45 का 5, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 14, ठीक है। अब इसमें 400 ऐड कर देंगे, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, अब ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ब्रैकेट हट जाएगा, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1850, ठीक है। अब 15 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1850 मल्टीप्लाई 15, 5 0 जा 0 5, 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 42 का 2, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और ये 9 आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी 81, या जाएगा 0579 और 817 का 7, 1 कैरी, 1 और 1 2, यानी कि हमारे पास एस 30 डे का, एस 30 डे की जो वैल्यू आएगी, जो पेनल्टी उनको पड़ेगी वो पड़ेगी 27750, कितनी पेनल्टी पड़ेगी उनको, उनको पेनल्टी पड़ेगी 27750
750 रुपीज। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें 30 डे का पूछा गया था तो हमने 30 डे का फाइंड कर लिया। तो इस टाइप से आप जो बड़े क्वेश्चन, जितने भी बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमेशा शॉर्ट होता है, तो आप क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं और सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको नोट डाउन करते जाएं, तो आपको इजी लगेगा कि क्वेश्चन जो है हम तो हार्ड समझ रहे थे लेकिन ये तो बहुत ही इजी है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन को शॉर्ट बना करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। अ सम ऑफ रुपीज 700 इज द टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो है सम दे रखा है 700, किसका सम दे रखा है कि एकेडमिक जो है यहां पर परफॉर्मेंस हुई है किसी स्कूल में और जो स्टूडेंट है 7 स्टूडेंटों के लिए जो है प्राइस रखा हुआ है वो भी कैश में। ठीक है, अब टोटल रुपीज कितने थे, 700 थे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ईच प्राइस है वह 20 कम है पहले वाली प्राइस से। यहां पर लिखा है ईच प्राइस इज 20 लेस, लेस का मतलब कम देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि उससे पहले वाले। अगर कोई पहला है, सपोज फर्स्ट प्राइस जिसको मिला है, सपोज उसको हम एज्यूम कर लेंगे, तो सपोज हमने x मान लिया तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, x माइनस 20। ठीक है, तीसरे वाले को क्या मिलेगा, x माइनस 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 20 और माइनस होते जाएंगे उसमें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब यहां पर सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया है कि जो प्राइस है वो हमें नहीं पता है फर्स्ट वाले को कितना मिला है, वो चीज हमको फाइंड करनी है। तो सिंपली हमारे पास सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सपोज पहले वाले को कितनी प्राइस मिला, वो मिला है एक्स। टोटल प्राइस कितने देने हैं, टोटल कैश प्राइस। ठीक है, टोटल कैश प्राइस जो है कितने मिलेंगे उनको, 7 बच्चों को देने हैं। ठीक है, जो टोटल कैश प्राइस है वो कितने देने हैं, 7, और लिख देंगे टोटल अमाउंट कितना है, 700। यानी कि सिंपली जो 700 है वो 7 बच्चों में हमने डिवाइड करना है, यानी कि वितरित करना है, सारे बच्चों में बांटना है। तो सिंपली उसके लिए भी कंडीशन दे रखी है कि अगर पहले वाले को अगर x मिला है तो दूसरे वाले को 20 माइनस करके देना है। तो पहले वाले को x मिला है तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा, x माइनस 20। तो इस हिसाब से हमारे पास हम 7 बच्चों में ये जो प्राइस है 700 तक के लिए उसको बांट देंगे। तो यहां पर पहले अगर पहले बच्चे को x मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, x माइनस 20 मिलेगा। तीसरे वाले को कितना मिलेगा, तीसरे वाले को मिलेगा x माइनस 40। चौथे वाले को मिलेगा x माइनस 60 और पांचवे वाले को x माइनस 80। छठवे वाले को x माइनस, अच्छा सॉरी यहां प्लस प्लस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करते जाना है ना, सबको ऐड करते जाना है। तो यहां पर सिंपली यहां आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमारे पास x माइनस 100 हो जाएगा और लास्ट जो बच्चा बचेगा उसको x माइनस कितना, वो आ जाएगा 120। 7 बच्चे हो गए, पहला बच्चा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां बच्चा। अब इनका जो टोटल दे रखा है हमारे पास, सम दे रखा है, क्वेश्चन में बोला था ना, क्वेश्चन में कहा है अ सम ऑफ रुपीज 700 इज यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, अब यहां पर हमको वैल्यू दे रखी है इसकी 700। अब इसको ऐड करेंगे, अब यहां पर ये भी प्लस में है x, x भी प्लस में है, तो ये सारे x अगर हम ऐड करेंगे तो 7 बच्चे हैं तो 7x हो जाएगा। तो दैट मींस यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, 7x। अब यहां पर इन नंबरों को ऐड कर देंगे, अब यहां तो कोई नंबर नहीं है, ये है, तो सारे माइनस में है नंबर, तो माइनस माइनस का क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे सारे नंबर। तो 20 और 40 60 ऐड कर देंगे तो 120, 80 ऐड कर देंगे तो 200, 100 ऐड कर देंगे तो 300, 420, यानी कि माइनस में ही आएगा आपका 420 इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, 700। ठीक है, अब इस 420 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो 7x इज इक्वल टू 700, ये यहां माइनस में यहां के प्लस 400 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 11, अच्छा सॉरी 420 था ये, ठीक है, 1120 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू चाहिए, x को यहीं रहने देंगे, ये 7 यहां मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में चला जाएगा, 1120 अपॉन 7। अब 7 से ही कितने टाइम कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा हमारा 160 टाइम्स। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 60। ठीक है,
अब x इज इक्वल टू 60, x हमने क्या माना था, x हमने एज्यूम किया था कि जो x है वो क्या है हमारा फर्स्ट प्राइज है। अब क्वेश्चन में बोला था कि 20-20 घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे पहले प्राइज में से, तो यहां लिखेंगे, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आ जाएगा आपका सिंपली 7 स्टूडेंट कैश प्राइज, प्राइज इज पहला क्या हो जाएगा 160, दूसरा क्या हो जाएगा 140, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 120, चौथा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा, छठवा हमारे पास 60 और सातवां हो जाएगा हमारे पास 40। यानी कि ये क्या होंगे आपके 7 बच्चों के कैश प्राइस होंगे, तब जाके टोटल सम कितना आया हमारे पास, वो आया है 700। तो 7 बच्चों में जो कैश प्राइस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो इस टाइप से किए हैं, क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन लंबे जरूर है लेकिन इनका सोल्यूशन बिल्कुल छोटा है, और अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, इस टाइप से जो क्वेश्चन बड़े होते हैं अगर आपने उसको समझ लिया तो उनका सोल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो दोस्तों इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 बार वीडियो को देखें, 100% आपकी समझ में कंप्लीट आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप जो है अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नई जोश और नई एनर्जी के साथ, बने रहेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय।